यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल होम। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं V15 के बारे में। वीवो का जो V15 फोन आता है, जो अभी लेटेस्ट फोन है, लेटेस्ट मॉडल है, आप इसमें से किस तरीके से पैटर्न लॉक हो गया या फिर पासकोड हो गया या फिर पैटर्न लॉक हो गया, पासकोड हो गया, पासवर्ड हो गया, उसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे फ़ोन में है पैटर्न लॉक लगा हुआ है। अब हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने की प्रोसेस बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। सो गाइज, ये जो मेथड है बहुत सारे फोन्स में वर्क करता है, बट आप इस वीडियो को देख लेना। इस मेथड से केवल आपका पैटर्न ही रिमूव होगा, FRP रिमूव नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, अपने फ़ोन को मैं स्विच ऑफ कर दिया। मैंने पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, रिकवरी मोड में अगर कोई भी फंक्शन होते हैं तो वर्क नहीं करते, रिकवरी मोड पर भी आपको पैटर्न लॉक शो करता है। सो गाइज, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फोन को कनेक्ट करना है अपने पीसी से, तो पीसी के थ्रू मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। MRT का यूज करते हैं, अगर फास्टबूट मेथड के थ्रू करते हैं तो फास्टबूट भी पूरी तरीके से लॉक्ड है, उसका भी मेथड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब चलिए अपने सिस्टम पे चलता हूं और फोन को स्विच ऑफ कर लीजिएगा। विदाउट कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, डायरेक्टली अपने फोन को कनेक्ट करना है। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो ठीक है दोस्तों, हम लोग सिस्टम पे आ चुके हैं। अब सिंपली हम MRT का 2.60 वाला जो विदाउट डोंगल वाला टूल है उसको आपको ओपन करना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक भी मिल जाएगी, साथ में वीडियो भी मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सिंपली अपना MTK मोड खोलूंगा, फॉर्मेट पर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ग्लोबल ऑप्शन है उसके अंदर जाके मैं आप BBK Vivo ओनली सेलेक्ट करके, उसका फिर मैं सेकंड ऑप्शन में चले जाऊंगा, तो वहाँ पे आपको Y83 ओनली को सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, उसके बाद आपको स्टार्ट के बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली अपने फोन को कनेक्ट करना है, विदाउट एनी की प्रेस के, कोई बटन प्रेस नहीं करना है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, SP टूल की जो फाइल होती है, DA फाइल, ऑथेंटिकेशन फाइल और स्कैटर फाइल जो इस मॉडल की है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा कुछ दिनों के अंदर, तो आप उस वीडियो उस फाइल को भी डाउनलोड करके SP टूल के थ्रू भी आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सिंपली इस फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कनेक्ट हो गया। हमारा प्री लोडर USB-BCOM से कनेक्ट हुआ है, ये ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन को मेटा मोड पर ले जाएगा। हाँ, अगर मेटा मोड वर्क ना करे तो आप SP टूल वाला मेथड यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद ये नॉर्मली आपके फ़ोन को जो फॉर्मेट कर देगा। सो गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा कि अपने फ़ोन को आप डिसकनेक्ट मत कीजिएगा। सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फ़ोन है, यूज़र डेटा जो था इरेज हो चुका है पूरी तरीके से। अब क्या करना है, अपने फ़ोन की तरफ चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन से जो लॉक था वो रिमूव हुआ है या नहीं। सो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम अपने फ़ोन की तरफ आ चुके हैं। अब हमारा फ़ोन जो है वो पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। अब सिंपली आप जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एक Y91 की एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, वही मेथड यूज़ कीजिएगा, आप अपने फ़ोन में से जो FRP है वो रिमूव कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके फ़ोन का वर्जन जो है वो 9.1 है या फिर 9.0 है, तो मेटा मोड के थ्रू अगर आप FRP को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो रिमूव नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। सो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।